नाम बदलकर देवभूमि की बेटी को फंसाया प्यार के जाल में, जब ग्रामीणों को चला पता तो हो गया बवाल, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा तो रातों रात दुकानदार हुए फरार। पूरी खबर उत्तरकाशी जिले के पुरोला की है। यहां बीते दिनों उत्तर प्रदेश के दो युवकों द्वारा एक नाबालिग युवती को प्यार के जाल में फंसाकर भगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक विशेष समुदाय से हैं। वह इनमें से एक युवक नाम बदलकर मोरी क्षेत्र की नाबालिग युवती से बात करता था। वह नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की तहरीर के बाद पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसके बाद से पुरोला क्षेत्र में स्थानीय लोगों का आक्रोश विशेष समुदाय के खिलाफ फूट पड़ा व लगातार क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन यहां पुरोला बाजार में स्थानीय दुकानदारों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों सहित नगर के सभी संगठनों ने बाहरी दुकानदारों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया। वहीं अब पुरोला बाजार के स्थानीय दुकानदार व अन्य संगठनों के लोग खुलकर सड़कों पर उतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश के चलते अभी तक बाहरी 30 से अधिक दुकानदारों ने रातों रात पुरोला शहर छोड़कर फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लव जिहाद नहीं होने देंगे। जी मान्यवर, ये शुक्रवार से लेकर के पुरोला नगर पंचायत में तथा मोरी क्षेत्र में बहुत तनाव की स्थिति हो गई। एक मुस्लिम युवक द्वारा एक मोरी की अनाथ बालिका जो कि अभी नाबालिग है, उसको बहला फुसला करके भगा के ले गया। और यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के जो युवक थे, उन्होंने उनको पकड़ा। और मैं उन युवकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये मामला जो है बचाया, उस लड़की को बचाया है। और जो भी ये मुस्लिम लोग जो आते हैं, कई गांव में फेरी का काम करते हैं, और इन पे भी बहुत ही संदेह होता है। और जो मार्केट में इनके द्वारा भी चोरियां भी हो रही हैं कई जगह, और ये है कि इनको गांव में घुसने न दिया जाए। और यहाँ पुरोला क्षेत्र में इनके प्रति बहुत आक्रोश है, और मुझे ये लगता है कि इनको यहाँ से अपनी दुकानें बाहर ही ले जानी पड़ेंगी, अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा। देखिए, जो है दो दिन पहले एक घटना जो है पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें वहाँ के व्यापार संगठन और सम्भ्रांत नागरिक सबने ये बताया था कि एक जो माइनर लड़की को है, एक लड़का जो भगा के ले जा रहा है, तो उस पर जो है हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए उसको पकड़ लिया था और दर्ज कर लिया था, और मुकदमा भी दर्ज कर लिया था थाना पुरोला में। उसकी जो विवेचना अभी प्रचलित है, और जो लड़का है उसको 14 दिन की जुडिशल रिमांड पे है। उसके बाद से जो है वहाँ पे कुछ शांति व्यवस्था की में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई थी, तो मेरा सभी व्यापारियों से, सभी सम्भ्रांत नागरिक है, सभी से जनप्रतिनिधि सबसे अनुरोध है कि जो शांति व्यवस्था है वहाँ पे उसको बनाए रखें। किसी भी तरीके से वहाँ पे जो शांति व्यवस्था है उसको प्रभावित ना करें, और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो मुकदमे में जो प्रक्रिया है वो विवेचनाधीन है, प्रचलित है, उसमें जो भी होगा विधि पूर्वक और न्याय संगत काम करेगी पुलिस, और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है।